सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार सबसे पहले सबको विशिंग यू अ हैप्पी 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 न्यू ईयर। ये न्यू ईयर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। स्टार्टिंग वीक के अंदर ही काफी बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए आ चुकी है। एक बार फिर उन बच्चों का सपना साकार होने जा रहा है जो चाहते थे कि वो बिट्स पिलानी जैसे रिकॉग्नाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, चाहे पिलानी कैंपस हो, चाहे गोवा कैंपस हो, चाहे हैदराबाद कैंपस हो। किन्हीं कारणवश उन्होंने पहले विड्रॉ कर लिया था, किन्हीं बच्चों ने सिक्स्थ आइट्रेशन के बाद ही विड्रॉ कर लिया था क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि सेवन्थ एट नाइन टेंथ और इलेवंथ आइट्रेशन भी होंगे। किन्हीं बच्चों ने पहले अपना प्रोग्राम फ्रीज कर दिया था, बाद में उनको पता लगा कि यार उनको तो सीएस मिल सकती थी लेकिन उन्होंने तो ईसी के ऊपर ही फ्रीज कर दिया है। कुछ बच्चों ने पहले विड्रॉ कर लिया था और बाद में रिग्रेट कर रहे थे कि यार कट ऑफ इतना नीचे चल गया है, हमको ब्रांच मिल सकती थी, हमको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता था। उन सबके लिए वापिस से बिट्स एडमिशन ने एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर आपको जरूर से जरूर एडमिशन लेना चाहिए। व्हाट इज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट? इट्स स्पेशल स्पॉट एडमिशन इन बिट्स पिलानी बेस्ड ऑन बिटसेट 2021 स्कोर। एक आपका स्पॉट एडमिशन राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है जिसके अंदर आपके दो राउंड होंगे, स्पॉट राउंड वन और स्पॉट राउंड टू। दोनों की बातें डिटेल के अंदर इस वीडियो में कर रहे होंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी हर चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल दी और यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया है जिसको समझना हर एक एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ब्रोशर की जो मेन मेन डिटेल्स है वो बता देता हूँ। तो ये जो आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिसमें पहली कैटेगरी है वो बच्चे जो कि किसी भी बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद के कैंपस के अंदर एनरोल हो चुके हैं। कैटेगरी टू में वो बच्चे हैं जो अभी भी वेट लिस्ट में, और कैटेगरी थ्री में वो सारे बच्चे हैं जो फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं। कौन कौन बच्चे फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने पहले एडमिशन विड्रॉ कर लिया या फिर जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, और फिर पार्टिसिपेट नहीं करा और बाद में पता लग रहा है कि 223 मार्क्स पे भी बिट्स पिलानी कैंपस में एमएससी केमिस्ट्री मिल रही है और बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। तो अब रिग्रेट करने का टाइम नहीं है दोस्तों, आप अप्लाई फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 3 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, कैटेगरी 1 के अंदर जिनको पहले से ही एडमिशन मिल चुका है, ठीक है, उनको क्या करना है, फ्रीज द करंट अलॉटेड प्रोग्राम बाय 6 अगर उनको वही चाहिए तो। इसने क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पहले से ही पिलानी गोवा हैदराबाद में कोई ब्रांच मिल रखी है और आपने अभी तक उसको फ्रीज नहीं किया है और 6 जनवरी तक का आपको टाइम दिया गया है, 6 जनवरी तक या तो आप उसको फ्रीज कर लीजिए। अगर 6 जनवरी तक आप उसको फ्रीज नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर कंसीडर कर लिए जाओगे। जो अभी भी वेट लिस्ट के अंदर है, दोस हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड इनटू एनी ऑफ द कैंपसेस विद फ्रोजन और अनफ्रोजन ऑप्शन एंड वुड लाइक टू चेंज हिज और हर प्रेफरेंसेस कैन अप्लाई फॉर द स्पेशल स्पॉट एडमिशन आइट्रेशन बाय पेइंग द रिक्विजाइट नॉन रिफंडेबल फी ऑफ रुपीज 2000। इन दिस केस द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द न्यू प्रोग्राम प्रेफरेंसेस, द प्रीवियसली फिल्ड विल बी स्टैंड नल एंड वॉइड। सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एडिक्वेट केयर इन फिलिंग आउट प्रेफरेंसेस एंड विल बी एडवाइज्ड टू कीप अ प्रिंटेड कॉपी फॉर द लेटर प्रेफरेंस इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने पहले से आपके ऑप्शंस फिलअप कर रखे हैं और आपको फर्दर स्पॉट राउंड में जाना है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर लूं, तो आपको 2000 रुपीज देके आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। कैटेगरी 3 जो कि फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी 2000 की और एक एडमिशन फीस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा 48,100 की। इनमें रिफंडेबल क्या होगा, नॉन रिफंडेबल क्या होगा, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो पूरा वीडियो यार ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं आपको बात कर दूं तो 3 जनवरी आज आपका नोटिफिकेशन आया है, लास्ट डेडलाइन टू अप्लाई विद 12th मार्क्स एंड रिक्विजाइट एडमिशन फीस आप 8 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन स्पेशल का रिजल्ट आ जाएगा 10th जनवरी को, उसके बाद आप उसकी फीस पे कर सकते हैं 13th जनवरी तक, रिपोर्टिंग कर सकते हैं 15th जनवरी को, और स्पेशल आइट्रेशन 2 का रिजल्ट आ जाएगा 16 जनवरी को, फी पे कर सकते हैं 19th जनवरी तक, और आप रिपोर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20th जनवरी तक। काफी ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, 2 स्पेशल आइट्रेशन हो रहे हैं हिस्ट्री में पहली बार, टोटल आपके 13 आइट्रेशन हो जाएंगे इन दोनों को भी अगर मिला लिया जाए तो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा 21st जनवरी से और क्लास वर्क बिगिन हो जाएगा 22nd जनवरी से एस पर दिस शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद ये आपका टाइम टेबल वगैरह दे रखा है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के अंदर बताना चाह रहा हूं कि आपको एडमिशन में आप जो अगर आप थर्ड कैटेगरी में आ रहे हो और आप बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हैं मतलब आप ऑलरेडी बिट्स के किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, इधर पिलानी गोवा और हैदराबाद कैंपस के अंदर आप पढ़ रहे हैं और आप अपनी हायर प्रेफरेंस
एक्सचेंजेस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली स्पॉट काउंसलिंग में कंसिडर कर लिए जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को जो मिल गया वही रहना है, तो 6 जनवरी तक आप अपनी ब्रांच फ्रीज कर लीजिए। जो लोग वेटिंग लिस्ट में उनको एडमिशन फी प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी 2000 की, और वो 2000 की प्रोसेसिंग फीस देने के बाद नई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी। नई प्रेफरेंस लिस्ट बना के आप दोबारा से काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। पेमेंट वगैरह की डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको 221,950 का अमाउंट देना पड़ेगा। जो भी कैटेगरी 2 यानी वेट लिस्ट वाले बच्चे या फिर जिन्होंने फ्रेश अप्लाई किया है, अगर उनको उनको एडमिशन मिल जाता है स्पॉट काउंसलिंग में, तो उनको इतने रुपए फीस के देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद 48,100 रुपीज एडमिशन फीस। ठीक है, उससे पहले इन्होंने बोला है कि फीस पे करने से पहले आप जो है रिफंड ऑफ फीस क्लॉज अच्छे से पढ़ ले। रिफंड ऑफ फीस क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन फिलिंग फॉर स्पेशल आइट्रेशन ऑल द एलिजिबल एज डिस्क्राइब्ड अंडर पॉइंट 345 प्रोसेस फॉर स्पेशल स्पॉट एडमिशन। पॉइंट 345 का है ये, रहे यार आपके पॉइंट 345 ऊपर इन्होंने अच्छे से दे रखे हैं, ये रहे पॉइंट 3.4.5। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कैटेगरी 1 वालों को दोबारा से प्रेफरेंस फिल करने का मौका दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप देयर न्यू प्रेफरेंसेस। कैटेगरी 2 वालों को भी नई प्रेफरेंस भरने का, आर फिल अप देयर न्यू प्रेफरेंसेस, जो पुरानी वाली है वो नल एंड वॉइड रह जाएगी। और कैटेगरी 3 वालों को तो जिन्होंने फ्रेश अप्लाई किया उनको तो नई भरनी ही भरनी है। 221,000 का पेमेंट करना रहेगा। अगर आपको सीट मिल जाती है तो रिफंड ऑफ फीस अभी अपन समझ लेते हैं क्या होगी। रिफ्रीजिंग ऑफ अलॉटेड प्रोग्राम, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई ब्रांच मिल जाता है स्पेशल आइट्रेशन 1 के अंदर और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊं, मेरे को जो मिला मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट राउंड मेरे को उससे ऊपर का मिले, तो आपको 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर कंसिडर कर लिए जाओगे। इफ यू डू नॉट ऑप्ट द फ्रीज ऑप्शन, अगर आप फ्रीज ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्पेशल राउंड के अंदर चले जाओगे। वही सारी जो नॉर्मल बिटसेट की काउंसलिंग में होता है सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड है, यहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, और मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी इन्होंने इसी पीडीएफ में लास्ट में दिया है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेजर बात रिफंड की। तो रिफंड आपका जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं उनको कुछ भी रिफंड नहीं होगा, सिर्फ उनकी 3000 रुपीज, ठीक है, जो भी क्वेश्चन डिपॉजिट है वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों को बता देता हूं, इफ ए कैंडिडेट अंडर दीज कैटेगरीज, कैटेगरी 2 कौन सी, वेट लिस्ट वाली, और कैटेगरी 3 जिन्होंने फ्रेश अप्लाई किया है, इफ ए कैंडिडेट अंडर दीज कैटेगरीज एक्सेप्ट द एडमिशन ऑफर बाय पेइंग द रिक्विजाइट फी ऑफ 218,500 एंड एडमिशन फी, ये और ये आपकी स्टूडेंट यूनियन फी जो होती है, बट विड्रॉज लेटर विल बी फोरफिटेड एक्सेप्ट। ठीक है, आपको कुछ रिफंड नहीं होगा, सिर्फ 3000 रुपीज रिफंड हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी वेट लिस्ट वाले बच्चे हैं, आपने एडमिशन कंफर्म किया और फिर विड्रॉ किया, तो कुछ भी रिफंड नहीं होगा। बहुत सोच समझ के आपको अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इफ एडमिशन इज ऑफर्ड टू द कैंडिडेट एज पर हिज हर प्रेफरेंसेस इन द स्पेशल स्पॉट आइटरेशन, द कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर बाय पेइंग द बैलेंस फीस, देन एडवांस एडमिशन फीस विल बी फॉरफिटेड एंड हिज। अगर आपको जो मिला आपने वो नहीं लिया, ठीक है, मान लो आपने 48,100 रुपीज ऑलरेडी जमा करा रखे थे, आपको जो मिला आपने वो नहीं लिया, तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं होगा, 48,100 आपके चले जाएंगे। इफ नो सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपके जो बचे हुए 48,100 एडमिशन फीस है वो आपको बाय 10th ऑफ फरवरी तक रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये सब रिफंड की डिटेल्स बता रखी, और ये लास्ट में इन्होंने इस पीडीएफ के अंदर मेडिकल परफॉर्मा दे रखा है, जो कि एक स्टैंडर्ड बिट्स वालों का मेडिकल परफॉर्मा है, हर साल यही परफॉर्मा होता है। अब कर लेते हैं मेन बात। तो यार कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 वाले बच्चों को वापस से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट देनी पड़ेगी। जो उनकी पुरानी प्रेफरेंस लिस्ट है वो कंसीडर नहीं करी जाएगी। क्रेजी एक्सपर्ट्स आपके लिए करेंगे बिटसेट की काउंसलिंग, जिन्होंने पहले जोसा की काउंसलिंग करी है, पूरी एक्सपर्ट टीम ने बिटसेट की काउंसलिंग करी है, जोसा के बाद सीसेप की भी हमने काउंसलिंग करी है, ठीक है, हर कॉमेडी की हमने काउंसलिंग करी है कुछ कुछ बच्चों की, तो हर एग्जाम की हमने काउंसलिंग करी है। तो बिटसेट के अंदर हम आपको चॉइस फिलिंग से लेके कॉलेज रिपोर्टिंग तक हर एक चीज के अंदर हेल्प कर रहे होंगे, जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीस। हमने बिटसेट की काउंसलिंग, जोसा की काउंसलिंग 450-300 रुपीस में करी थी, लेकिन ये स्पॉट काउंसलिंग है, इसके अंदर स्पॉट काउंसलिंग है, काफी ज्यादा अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, पूरी टीम हमको दोबारा से बिठानी पड़ेगी, जो हमारी टीम काम कर रही थी बिटसेट की काउंसलिंग में, तो उसके लिए आपको फीस चार्ज करी जाएगी 600 रुपीस, जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस फिलिंग से लेकर कॉलेज रिपोर्टिंग तक, जब तक आप कॉलेज के अंदर घुस नहीं जाते तब तक
जो भी आपके डाउट होंगे, हर एक चीज हमारी एक्सपर्ट्स आपके क्लियर कर रहे होंगे। तो आप अगर हमारी पेड काउंसलिंग के अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट के अंदर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। उसी के अंदर पेमेंट का लिंक है, आप 600 रुपीज का पेमेंट कर दीजिए तो हम आपको तुरंत कॉल कर लेंगे। विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा और आपका कॉल, हम आपको कॉल करते आपके सारे जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर देंगे। प्लस 24/7 डाउट असिस्टेंस आपको दिया जाएगा। आप कभी भी हमको कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। इवन मैं खुद आपकी पर्सनल काउंसलिंग कर रहा हूँ बेडसेट की। हमने काफी ज्यादा बच्चों की अभी तक काउंसलिंग करी है। प्रूफ के तौर पर आप स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा पिंड स्क्रीन शॉट्स उनको देख सकते हैं, जो पेरेंट्स का फीडबैक हमारे को मिला है बिटसेट काउंसलिंग के अंदर और सीसेप काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, काफी लो प्राइस के अंदर 600 रुपीज कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। कैरियर की तरफ स्पॉट काउंसलिंग काफी ज्यादा हमको टीम वापस से लगानी पड़ेगी, प्रेफरेंसेस आपकी वापस से आपके हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो 600 रुपीज प्राइस है। जो भी इंटरेस्टेड है गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में फिलअप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डाउट और बच्चों का आ रहा था कि भैया अगर मैं स्पॉट काउंसलिंग के अंदर जाता हूं और मेरे को जो अभी ब्रांच मिली हुई है, ठीक है, मेरे को जो अभी ब्रांच मिली हुई है और मेरे को कोई ब्रांच स्पॉट काउंसलिंग में नहीं मिलती, तो जो मेरे को मिली हुई है क्या वो मेरी एग्जिस्ट करेगी, क्या वो मेरे पास ही रहेगी? जी बिल्कुल हाँ। देख लीजिए, इफ द कैंडिडेट हू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन अ प्रोग्राम इन एनी ऑफ द कैंपसेस फेल टू सिक्योर एडमिशन इन एनी ऑफ देयर प्रेफरेंसेस हायर देन देयर एक्चुअल करंटली असाइंड प्रोग्राम एज पर द न्यू प्रेफरेंस लिस्ट देयर एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट शैल कंटिन्यू। जो आपको अभी मिला हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम हर एक कमेंट का आंसर कर देगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।